आंदोलनरत रेजिडेंट ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया जाएगा तो वे 18 अक्टूबर से इमरजेंसी समेत संपूर्ण शटडाउन करेंगे। और इस अल्टीमेटम को देखते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने व्यवस्थाएं सुचारू रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। और इन्हीं तैयारियों को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट्स हड़ताल पर है। इस वक्त इलेक्टिव कामकाज का बहिष्कार रेजिडेंट्स कर रखा है, लेकिन 48 घंटे की चेतावनी रेजिडेंट्स दे रखी है। कहा है कि 18 तारीख से वो सामूहिक कार्य बहिष्कार जो है हर तरह की सेवाओं को करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दीपक माहेश्वरी जी, उनसे बात करते हैं। सर, रेजिडेंट्स ने 18 तारीख से सामूहिक हड़ताल का निर्णय लिया है और उससे पहले अभी इलेक्टिव सेवाओं का काम बहिष्कार है। अभी इस वक्त क्या तैयारियाँ अस्पताल की, किस तरह से मैनेज कर रखा है आपने, आगे के लिए क्या आपकी तैयारियाँ हैं? सर देखिए, इनका जो निर्णय है स्ट्राइक पर जाने का, वो ठीक नहीं है, उचित नहीं लगता मुझे। सरकार उनकी मांगों के बारे में गंभीरता से विचार कर रही थी और उससे पहले भी जिस दिन स्ट्राइक पे उस दिन भी सेक्रेटरी साहब इनके साथ 2-3 घंटे तक इनसे वार्ता की थी, उससे पहले दिन भी की थी। और हम सब लोगों की कोशिश ये हमेशा ये रहती है कि जेन्युइन मांगों के लिए तुरंत हम लोग रेस्पॉन्ड करें। डिमांड जो रेजिडेंट्स पिछले 45 दिन पहले भी हड़ताल में गए थे, वापस गए थे, उस वक्त कोलकाता वाला इशू था, जायज मांगे थी उस वक्त मान सकते हैं, लेकिन अब मांगे जो है वो बदल गई है। किस तरह की मांगे हैं और उनका इफेक्ट किस तरह का आएगा और आप लोगों के स्तर पर क्या उनसे चर्चा चल रही है? सर देखिए, ज़्यादातर मांगे अभी फाइनेंस से ज़्यादा हैं, वो प्रशासन से ज़्यादा हैं, लेकिन जो भी मांगे हैं उनका हल सबका बातचीत से निकल सकता है। तो मेरी सबसे यही अपेक्षा है, खासकर रेजिडेंट से जो कि स्ट्राइक पर गए हैं, कि आप बातचीत से उसका हल करें, अपनी बातों को टेबल पे ले जाएं, समझाएं। यदि सभी लोग रिसेप्टिव हैं, जो भी बात होगा उसका सभी लोग उत्तर देने के लिए तैयार हैं, फेस करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक इनकी स्ट्राइक की बात है, एसएमएस अस्पताल का प्रशासन है वो इस बात के लिए कृत संकल्प है कि हम लोग किसी भी तरह की सेवाओं को मैं वायदा नहीं आने देंगे। मेरी सरकार से भी बात हो गई है, सरकार भी एक्स्ट्रा डॉक्टर्स हमें प्रोवाइड करा रही है, हमारे पास और भी लोग जूनियर रेजिडेंट्स भी हैं, तो हम सब मिलके इस हॉस्पिटल को चलाएंगे। लोगों के लिए, लोगों की सेवा तो होगी होगी, हम करेंगे, हॉस्पिटल को किसी भी तरह चलाने वाले हैं। इसमें सवाल ये भी है कि हर साल 4 से 5 हड़तालें अमूमन देखने को मिलती है रेजिडेंट्स की, क्या किन हड़तालों का कोई स्थायी समाधान नहीं है क्या प्रशासन के पास, या फिर कोई हमारा जो रुख है वो नरम रुख रहता है इसलिए इस तरह की हड़तालें बार बार में हो रही है, क्यों नहीं हम इस बारे में सख्ती बरती जाती है और साथ में कुछ ऐसा कदम उठाया जैसे कि हड़ताल की नौबत नहीं है रेजिडेंट्स की? देखिए, ये लोग जो रेजिडेंट्स हैं ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ कार्य भी करते हैं हॉस्पिटल में, सेवा के लिए भी आए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आए, ये स्टूडेंट्स हैं। तो मैं पहले की बात तो नहीं कहता, लेकिन अभी हम सब लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, किसी भी इनकी प्रॉब्लम को हम इनके कहते ही तुरंत उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। कुछ हमें इनके बिना कहे भी ध्यान में आता है तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। महेश्वर जी ने बताया कि किस तरह से हड़ताल को लेकर जो बिंदु है, जिन बिंदुओं पर रेजिडेंट्स नाराज हैं, उनमें से अधिकांश मांगे ऐसी है जो कि जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपील करी है। एक प्रिंसिपल होने के नाते, उन्होंने मुखिया होने के नाते उन्होंने अपील करी है, मार्मिक अपील करी है कि मरीजों की पीड़ा को नहीं भूलना चाहिए रेजिडेंट्स को, और वो डॉक्टर के पेशे जुड़े हैं, ये नोबल प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन का उनको ध्यान रखना चाहिए, उनको जल्द से जल्द काम पर लौटना चाहिए, उनकी जायज़ मांगे 100% जो है पूरी की जाएगी। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़।